एमएलटी स्टूडेंट। क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन वेन ब्लड कलेक्शन। यानी ह्यूमन के अंदर तो वेन प्रेजेंट होती है, यानी दो प्रकार की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, एक तो आर्टरी एक वेन। ब्लड जो कलेक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए वो किस करते हैं? वेन से कलेक्ट करते हैं, क्योंकि वेन के अंदर क्या है, ब्लड का प्रेशर, ब्लड फ्लो क्या होता है, कम होता है। तो किस तरीके से अपन कलेक्ट करेंगे? आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अपन पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं, जो किसके ऊपर था, ब्लड सैंपल कलेक्शन के ऊपर था, कि उसका जनरल इंट्रोडक्शन था और क्या था कि उसके अंदर अपन क्या है कि किस तरीके से पंचर मेथड से या प्लेट मेथड से किस तरीके से कैपिलरीज ब्लड को कलेक्ट करते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। कलेक्शन ऑफ ब्लड क्या है? इंट्रोडक्शन में देखिए, टू ऑब्टेन ब्लड फॉर एनालिसिस एंड डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिसऑर्डर। यानी टू ऑब्टेन ब्लड फॉर एनालिसिस एंड डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिसऑर्डर। यानी अलग अलग प्रकार के डिजीज या फिर अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए ब्लड को कलेक्ट करना। यानी ब्लड इज कलेक्टेड इन सम कंडीशन सच एज डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्लड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड वेरियस इन्फेक्शन। ब्लड को अपन अलग अलग कंडीशन के अंदर कलेक्ट करते हैं, जैसे सच है जो भी डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्लड, यानी या तो ब्लड के अंदर खुद के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, यानी कोई मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो, या फिर कोई इन्फेक्शन हो। नेक्स्ट, मेजरमेंट एंड मॉर्फोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्या है? मेजरमेंट एंड मॉर्फोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ ब्लड कंपोनेंट, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट इंक्लूडिंग रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। यानी सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड की कंपोनेंट को भी असेस किया जाता है कि उनकी काउंट सही तरीके से प्रेजेंट है या नहीं, ये मॉर्फोलॉजी सही है या नहीं है, यानी सेल काउंट्स की। जिसके अंदर क्या बोलते हैं, सीबीसी के अंदर क्या इंक्लूड करते हैं अपन, रेड ब्लड सेल को, व्हाइट ब्लड सेल को और प्लेटलेट को। नेक्स्ट, एनालाइजिंग एंड क्वांटिफाई वेरियस बायोकेमिकल पैरामीटर इन द बॉडी लाइक ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड या ब्लड गैसेस। यानी अलग अलग क्या है, बायोकेमिकल पैरामीटर को भी बॉडी के अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए भी अब क्या है, ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं। उनके एग्जांपल क्या है, जैसे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल देखना हो, कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखना हो, या फिर यूरिक एसिड का लेवल देखना हो, या फिर ब्लड के अंदर गैसेज का लेवल देखना हो कि ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं है, कार्बन डाई है या नहीं है, उसके लिए भी अपन क्या है ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं। यानी बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, यानी केमिस्ट्रिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ब्लड का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। देखिए, कल्चर एंड एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी फॉर ऑफ ब्लड इन केसेस ऑफ सेप्टिसीमिया। जैसे कल्चर या फिर कोई एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी यानी टैबलेट की जो मैनेजमेंट है, यानी कौन सी टैबलेट वर्क कर रही है डिजीज के ऊपर, उसका पता नहीं लगाने के लिए भी ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। यानी ब्लड का कल्चर लगा के उसके ऊपर जो ग्रोथ है, यानी कौन से बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन है, उसकी क्लोनी के ऊपर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट लगाते हैं। वैसे किस कंडीशन में करते हैं, सेप्टिसीमिया की कंडीशन में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड डायग्नोसिस थ्री टाइप ऑफ ऑब्टेनिंग ब्लड स्पेसिमेन। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, जो ब्लड की डायग्नोसिस यानी कितनी ब्लड की रिक्वायरमेंट है, उसको डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो कैपिलरी और पेरिफेरल ब्लड, दूसरा क्या है वेन पंचर यानी वेनस ब्लड कलेक्शन, और तीसरा क्या है वेक्यूटेनस सिस्टम। ये तीन प्रकार के मेथड हैं जिससे कि ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है। तो इसमें देखिए, कैपिलरी और पेरिफेरल ब्लड कलेक्ट, यानी कैपिलरी जो स्मॉल वेन्स होती हैं, यानी वेन्स के अदर सब टाइप में छोटी छोटी जो वेसल्स प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उनको क्या बोलते हैं, कैपिलरी।
यानी पेरिफेरल ब्लड यानी कहीं से भी कनेक्ट करना। द कैपिलरीज ब्लड इज ऑब्टेन फ्रॉम द बिग बेस्ट टिप ऑफ फिंगर ईयर नोब फ्रंट टो एंड इन द चिल्ड्रन इज ऑब्टेन फ्रॉम हिप। तो कैपिलरीज ब्लड इज ऑब्टेन फ्रॉम द टिप ऑफ फिंगर, यानी कैपिलरीज का जो ब्लड सैंपल कलेक्शन है वो या तो अपन क्या फिंगर की टिप से कलेक्ट करते हैं या फिर ईयर नोब से यानी कान की नीचे की जो पाली है वहां पे प्रिक करके कोई नीडल इंजेक्ट करवा के वहां से ब्लड को कलेक्ट करते हैं या फिर टो यानी क्या है लेग के अंगूठे के अंदर क्या है फुट के अंगूठे के अंदर अपन कोई चीज इंजेक्ट करवा के नीडल इंजेक्ट करवा के वहां से ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं। और चिल्ड्रंस के अंदर ऑब्टेन फ्रॉम हील यानी बच्चों के अंदर क्या है एडी के अंदर नीडल इंजेक्ट करवा के अपन क्या है ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट मोस्टली कैपिलरीज ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम फिंगर टिप। और ज्यादातर जो कैपिलरीज ब्लड कलेक्शन है वो कहाँ से किया जाता है फिंगर टिप से किया जाता है। फॉर कैपिलरीज ब्लड कलेक्शन इज रिक्वायर्ड स्टेराइल लैंसेट नीडल फिट और 95% अल्कोहल एंड पैटर्न स्वैब। और कैपिलरीज ब्लड कलेक्शन के लिए अपन को क्या चाहिए एक तो लैंसेट नीडल चाहिए तो क्या चाहिए होनी चाहिए स्टराइल होनी चाहिए यानी उसके ऊपर पहले से कोई बैक्टीरिया वायरस या फिर अदर कोई कंटेंट प्रेजेंट नहीं हो। दूसरी क्या चाहिए स्प्रिट या 95% अल्कोहल होना चाहिए जो क्या है जिस जगह से आप ब्लड सैंपल कलेक्ट करोगे उसको डिसइंफेक्ट कर सके यानी वहां पे कोई भी अदर पर बैक्टीरिया वगैरह जो भी जम हो उसको जर्म्स हो उसको क्लियर कर सके। और तीसरा क्या है कॉटन स्वैप होना चाहिए। देखिए प्रोसीजर किस तरीके से क्या है कैपिलरीज ब्लड को अपन कलेक्ट करते हैं। तो द साइट ऑफ पंचर शुड नॉट बी कोल्ड यानी जिस जगह से भी आप ब्लड सैंपल कलेक्ट करोगे वो क्या है ठंडी नहीं होनी चाहिए। इस पंचर साइट यानी फिंगर टिप जो है इस कोल्ड यानी मोस्टली फिंगर टिप से ही अपन कैपिलरीज ब्लड कलेक्ट करते हैं तो जो पंचर साइट है वो कोल्ड है यानी ठंडी है देन डू हार्म उसको क्या करते हैं गर्म करते हैं बाय मसाजिंग या इसको या तो रब करते हैं या मसाज करते हैं जिससे क्या है वो गर्म होने से क्या होगा उसमें प्रेशर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा क्या हो जाएगी ब्लड अच्छे तरीके से बाहर आएगा। नेक्स्ट डिसइंफेक्ट द साइट ऑफ पंचर विद द स्प्रिट कॉटन स्वैब और फिर क्या है उस साइट को डिसइंफेक्ट करते हैं कॉटन स्प्रिट से या फिर कॉटन स्वैब से यानी उसके ऊपर जो भी बैक्टीरिया या वायरस कोई जर्म्स प्रेजेंट है उसको किल कर देते हैं। इन कैपिलरीज ब्लड कलेक्शन मेथड नॉन डोमिनेट हैंड थर्ड और फोर्थ फिंगर इज यूज फॉर कलेक्शन। और कैपिलरीज ब्लड को कलेक्ट करने के लिए नॉन डोमिनेंट हैंड की थर्ड और फोर्थ फिंगर को क्या मोस्टली काम में लिया जाता है। आफ्टर डिसइंफेक्ट साइट प्रिक द लैंसेट नीडल एट पंचर साइट और डिसइंफेक्ट करने के बाद जिस जगह पे आपको क्या है सैंपल कलेक्ट करना है उसको डिसइंफेक्ट कर दिया उसके बाद में क्या करना है वहां पे प्रिक कर देना है यानी लैंसेट नीडल को इंजेक्ट कर देना है। ठीक है और इंजेक्ट कहाँ पे करना है नीडल इज प्रिक इन द फिंगर टिप हाफ सेंटीमीटर फ्रॉम नेल और क्या है आपके नाखून से आधा सेंटीमीटर दूर क्या है नीडल को प्रिक करना है फिंगर टिप के अंदर। और प्रिक करना कितना है अबाउट 3 mm डीप इन फिंगर और फिंगर के अंदर कितना डीपली प्रिक करना है आपको 3 mm तक। नेक्स्ट आफ्टर प्रिकिंग प्रिकिंग वाइप ऑफ द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड यूज द सेकंड ड्रॉप ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी प्रिक करने के बाद तो पहले ही ड्रॉप निकलेगी ब्लड की यानी पहले जो बूंद निकलेगी उसको वाइप ऑफ कर देना है छोड़ देना है यानी क्या है उसको बाहर डिस्कार्ड कर देना है एंड यूज द सेकंड ड्रॉप ऑफ फॉर इन्वेस्टिगेशन और दूसरी जो ड्रॉप निकलेगी ब्लड की सैंपल कलेक्टिंग साइड से उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए काम में लेना है। आफ्टर ऑब्टेनिंग सफिशियंट ब्लड अप्लाई ए जेंटली कॉटन स्वैप ऑन पंचर साइट और जितने ब्लड की आपको रिक्वायरमेंट है उतना ब्लड वहां से निकालने के बाद क्या है वहां पे ध्यानपूर्वक क्या है उस पंचर साइट पे अपन कॉटन स्वैप लगा देंगे जिससे ब्लीडिंग क्या हो जाए स्टॉप हो जाए। दिस मेथड यूज विद अमाउंट ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड इज ओनली 5 ड्रॉप और कैपिलरीज ब्लड कलेक्शन मेथड है उसको कब काम में लेते हैं जब ब्लड की आपको क्या है कुछ ही बूंद ब्लड की जरूरत हो। और किस चीज के इन्वेस्टिगेशन के लिए काम में लेते हैं तो हीमोग्लोबिन इन्वेस्टिगेशन के लिए
हीमोग्लोबिन को एस्टिमेशन के लिए, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर और पीबीएफ के अंदर यानी पेरिफेरल ब्लड फिल्म के अंदर भी कुछ खून की ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपन क्या कैपिलरीज ब्लड कलेक्शन मेथड को काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखें कि किस तरीके से अपन फिंगर टिप के अंदर आधा सेंटीमीटर नेल से क्या है कि लैंसेट नीडल को इंजेक्ट करवाते हैं डिस इन्फेक्ट करने के बाद। यानी बीटीसीटी के लिए अगर ब्लड को लेना हो यानी ब्लीडिंग टाइम क्लोटिंग टाइम चेक करने के लिए कैपिलरी के अंदर ब्लड को लेना हो क्या कैपिलरी टच करवा के फिंगर टिप के बाद ब्लड को कलेक्ट किया जा सकता है ब्लड की ड्रॉप को। अगर एक इन्फेंट के अंदर बच्चे के अंदर अगर ब्लड कलेक्शन देखे तो उसकी कहां से लिया जाता है हील से यानी एडी से। तो आप देख सकते हो देखिए वेन्स ब्लड कलेक्शन यानी अपन ह्यूमन बॉडी के अंदर वेन से किस तरीके से ब्लड को कलेक्ट करेंगे। वेन रिक्वायरमेंट लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड एंड ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम वेन। जब क्या है ब्लड की आपको क्वांटिटी जो मात्रा है वो क्या चाहिए लार्ज चाहिए बड़ी मात्रा में क्या है आपको ब्लड की जरूरत है। तो उस टाइम पे अपन ब्लड कहाँ से कलेक्ट करेंगे वेन से कलेक्ट करेंगे। जनरली वेन ऑफ आर्म इज यूज्ड और जनरली अपन क्या है बाजू की जनरली अपने बाजू की जो वेन्स है यानी वहां से क्या है तो एल्बो जॉइंट की जो वेन्स है यानी एल्बो जॉइंट के ऊपर जो वेन्स है कोहनी जोड़ के ऊपर वहां से उनको क्या बोलते हैं आर्म। वहां से क्या है अपन ब्लड को कलेक्ट करते हैं वहां के वेन से क्या है सैंपल कलेक्ट करते हैं। देखिए देयर आर फाइव वेन्स पासिंग थ्रू आर्म यानी आर्म के अंदर से क्या है मोस्टली पांच वेन्स क्या है पास होते हैं जिनसे क्या है अपन ब्लड सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। जिसके अंदर क्या है सिस्टिक वेन हो गई पेसिलिक वेन हो गई एसेसरी वेन हो गई या फिर मेडियन वेन हो गई या एंटीरियर वेन हो गई इन पांचों से क्या है अपन ब्लड सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट वेन इज यूज फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड। जो वेन अपने को अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है प्रोमिनेंट का मतलब महत्वपूर्ण तो जो अच्छे तरीके से जिसकी शेप एंड स्ट्रक्चर सही लग रही है आपको जो लंबाई में 1 सेंटीमीटर लंबा हो स्ट्रेट हो सीधी हो उसी वेन से क्या है अपन ब्लड का सैंपल कलेक्ट करेंगे। तो द मोस्ट प्रोमिनेंट वेन इज यूज फॉर ब्लड कलेक्शन या कलेक्शन ऑफ ब्लड यानी महत्वपूर्ण वेन को जिसकी स्ट्रक्चर सही हो प्रोमिनेंट उसी को क्या है अपन ब्लड कलेक्शन के लिए काम में लेंगे। नेक्स्ट इन सम केसेस वेन फ्रॉम रिस्ट और लेग वेन कैन बी यूज और कुछ केसेस में क्या है जहाँ पे आर्म के अंदर वेन मिलती नहीं है तो वहां पे क्या अपन या तो रिस्ट से सैंपल ले सकते हैं रिस्ट के अंदर जो वेन प्रेजेंट हो या फिर लेग के अंदर जो वेन प्रेजेंट होती है वहां से भी ब्लड का सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए वेन्स ब्लड कलेक्शन क्या है तो वेन रिक्वायरमेंट लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड देन ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम वेन। जब क्या है आपको ब्लड की बड़ी मात्रा में आवश्यकता हो तब क्या है ब्लड का सैंपल कहाँ से कलेक्ट करते हैं वेन से कलेक्ट करते हैं। जनरली वेन ऑफ आर्म इज यूज और जनरली क्या है बाजू की जो वेन्स है उन्हें को काम में लेते हैं ब्लड कलेक्शन के लिए। देयर आर फाइव वेन्स पासिंग थ्रू आर्म और एक बाजू के अंदर से क्या है कि एक भुजा के अंदर से क्या है कितनी वेन्स पास आउट होती है पांच वेन्स जिसका नाम क्या है सिफिलिक वेन हो गया ब्रेसिलिक वेन हो गया एसेसरी वेन हो गया मेडियन वेन हो गया या इंटीरियर वेन हो गया इन सभी से क्या है अपन सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट वेन इज यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड जो सबसे अच्छी स्ट्रक्चर के अंदर जो वेन होगी प्रोमिनेंट वेन होगी उसी को ब्लड कलेक्शन के लिए काम में लिया जाता है। इन सम केसेस वेन फ्रॉम रिस्ट और लेग वेन कैन बी यूज्ड। कुछ केसेस में क्या होता है कि आर्म की जो वेन्स है वो क्लियर नहीं होती अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देती तो उस टाइम पे अपन क्या करते हैं तो दृष्टि यानी क्लाई से भी ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं क्लाई के अंदर जो वेन्स प्रेजेंट होती है। दूसरा या फिर क्या है अपन लेग से भी ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं लेग के अंदर कोई वेन अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है तो।
देखिए जो बाजू के अंदर की कोने के ऊपर जो वेन्स होती है उनको दिखाया गया है, ऊपर ही ऊपर क्या है सिफिलिक वेन, यानी एल्बो जॉइंट से थोड़ी सी ऊपर क्या स्ट्रेट दिख रही है बिल्कुल लंबी, जहां से ब्लड का सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है। सिफिलिक वेन से नीचे क्या दिख रही है आपको, एसेंसरी सिफिलिक वेन, यानी सिफिलिक वेन से क्या है डिवाइड हुई जो वेन है, दूसरी साइड में क्या है मीडियन क्यूबिटल वेन है और नीचे क्या है बेसिलिक वेन है। ये क्या है पांच प्रकार की, चार प्रकार की वेन है जिनसे क्या है अपन ब्लड का सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पांच प्रकार की वेन्स होती है जिससे क्या है अपन ब्लड का सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। बेसिलिक वेन, नेक्स्ट देखिए कलेक्शन प्रोसेस। कलेक्शन प्रोसेस में रिक्वायरमेंट किन किन चीजों की होती है आपको, तो एक तो नीडल की होती है जिसको अपन इंजेक्ट करते हैं सुई की, यानी जिसकी सुई नीडल है उसका साइज क्या होना चाहिए, तो 18 to 20 gauze यानी 18 to 20 gauze की जो नीडल है वो किसके लिए काम में रहते हैं, फॉर एडल्ट यानी वयस्क के लिए, एंड 23 gauze फॉर चिल्ड्रन, और 23 gauze की जो नीडल है वो किसके लिए काम में रहते हैं बच्चों के लिए। और क्या चाहिए आपको नीडल के साथ, सिरिंज चाहिए, स्प्रिट चाहिए यानी जो डिसइंफेक्ट करते हैं साइट को, जिस जगह से आपको ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है तो वहां पर डिसइंफेक्शन के लिए क्या चाहिए स्प्रिट चाहिए, ट्यूनिकेट चाहिए, कॉटन स्वैब चाहिए और कलेक्शन ट्यूब चाहिए जिसमें ब्लड को कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन ट्यूब अलग अलग प्रकार की होती है टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे EDT है, कैरी प्लेन वाइल है या फिर सुपर वाइल है, तो वो अलग अलग टेस्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो रिक्वायरमेंट में क्या चाहिए आपको, एक तो नीडल चाहिए, सिरिंज चाहिए, स्प्रिट चाहिए और क्या चाहिए ट्यूनिकेट। ट्यूनिकेट क्या काम में आता है कि बांधने के काम आता है, यानी ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के काम आता है। कॉटन स्वैब चाहिए और कलेक्शन ट्यूब चाहिए, वाइल्स चाहिए आपको ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले देखिए फर्स्ट ऑल प्रोसीजर के अंदर देखिए, फर्स्ट ऑल द अमाउंट ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड एंड सिलेक्ट द ब्लड कलेक्शन ट्यूब अकॉर्डिंग टू ट्यूब। सबसे पहले तो आपको क्या डिसाइड करना है कि कितना अमाउंट के अंदर ब्लड आपको लेना है, यानी कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, एंड सिलेक्ट द ब्लड कलेक्शन ट्यूब अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और आपको कौन सा टेस्ट लगाना है ब्लड से, यानी किस चीज की इन्वेस्टिगेशन करती है उसी के अकॉर्डिंग क्या है आपको ट्यूब्स कलेक्ट करनी है जिसके अंदर क्या है आप ब्लड डालोगे। नेक्स्ट नाउ टेल द पेशेंट आर प्रोसीजर ऑफ ब्लड कलेक्शन। सबसे पहले क्या करते हैं कि ब्लड कलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो पेशेंट को पूरा समझा देते हैं कि इस तरीके से क्या है ब्लड को कलेक्ट करेंगे। नाउ प्लेस द पेशेंट अराउंड ऑन टेबल, और अब क्या है पेशेंट की जो भुजा है उसको कहाँ पे रखते हैं अपन, टेबल के ऊपर रखते हैं। नेक्स्ट प्लेस द ट्यूनिकेट एंड सिलेक्ट द वेन फ्रॉम द वेयर द सैंपल इज टू बी टेकन। सबसे पहले अप्लाई द ट्यूनिकेट, सबसे पहले क्या करते हैं ट्यूनिकेट को अप्लाई करते हैं बाजू के जस्ट ऊपर, ठीक है, यानी कोने के जॉइंट के ऊपर यानी एल्बो जॉइंट के जस्ट ऊपर, एंड सिलेक्ट द वेन फ्रॉम वेयर द सैंपल इज कलेक्ट या टू बी टेकन, और उस वेन का सिलेक्शन करते हैं जो मोस्ट प्रोमिनेंट अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है जहां से क्या है आपको ब्लड का सैंपल कलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्लीन द पंचर साइट विद कॉटन स्वैब, यानी जो पंचर साइट है उसको क्लीन करते हैं डिसइंफेक्ट करते हैं इसकी हेल्प से स्प्रिट कॉटन स्वैब की हेल्प से। नेक्स्ट रिमूव प्लास्टिक कैप ओवर द नीडल, और नीडल के ऊपर जो प्लास्टिक की कैप होती है उसको रिमूव कर देते हैं हटा देते हैं, एंड होल्ड द नीडल एंड सिरिंज, और नीडल और सिरिंज को क्या हैंड के अंदर होल्ड कर लेते हैं पकड़ लेते हैं, एंड चेक इट इज शार्प एंड अनब्लॉकनेस, और नीडल की जो शार्पनेस आगे का जो पॉइंट है उसकी शार्पनेस चेक करते हैं तो नीडल कहीं ब्लॉक है या नहीं है, एंड इट इज मूविंग इजिली, और जो सिरिंज का जो पिस्टन है वो इजिली क्या है मूव हो रहा है या आगे पीछे नहीं हो रहा, यानी कोई भी ब्लॉकनेस नहीं होनी चाहिए नीडल के अंदर, अगर कोई ब्लॉकनेस होगी तो अच्छे तरीके से क्या है ब्लड सैंपल कलेक्ट नहीं होगा। शुरू से देखिए फर्स्ट टू ऑल सिलेक्ट द अमाउंट ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड,
सबसे पहले तो ये सिलेक्ट करते हैं कि कितने अमाउंट में आपको ब्लड की रिक्वायरमेंट है, यानी कौन सा टेस्ट लगाना है, एंड सिलेक्ट द ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और फिर क्या करते हैं कि जिन ट्यूब्स के अंदर आपको ब्लड कलेक्ट करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, उनको क्या है सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, नाउ टेल द पेशेंट आवर प्रोसीजर फॉर ब्लड कलेक्शन, फिर क्या है पेशेंट को ब्लड कलेक्शन का पूरा प्रोसीजर समझा देते हैं। नाउ प्लेस द पेशेंट आर्म ऑन टेबल, और अब क्या करते हैं कि पेशेंट की जो आर्म है भुजा है उसको किसके ऊपर ले लेते हैं, टेबल के ऊपर। नेक्स्ट, अप्लाई द ट्यूनिकेट एंड सिलेक्ट द वेन फ्रॉम वेयर द ब्लड सैंपल इज टू बी टेकन, फिर क्या है ट्यूनिकेट को अप्लाई कर देते हैं, बांध देते हैं कहाँ पे, एल्बो जॉइंट के ऊपर जस्ट, एंड सिलेक्ट द वेन फ्रॉम वेयर द सैंपल इज टू बी टेकन। और क्या है कि अपन उस वेन का सिलेक्शन करते हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट वेन का जहां से ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है। क्लीन द पंचर साइट, फिर क्या वेन का सिलेक्शन करने के बाद पंचर साइट को क्लीन करते हैं किसके हेल्प से, कॉटन स्वैब की हेल्प से। फिर रिमूव द प्लास्टिक कैप ओवर द नीडल, नीडल के ऊपर जो प्लास्टिक कैप है उसको हटा देते हैं, एंड होल्ड द नीडल एंड सिरिंज चेक इट इज शार्पनेस, और क्या है नीडल और सिरिंज को एक हाथ के अंदर होल्ड करते हैं, पकड़ लेते हैं, और नीडल की शार्पनेस चेक करते हैं कि अच्छे तरीके से है, उसके अनब्लॉकनेस चेक करते हैं कि नीडल क्या है अनब्लॉक होनी चाहिए, सिरिंज क्या है इजिली मूव करनी चाहिए आगे पीछे। इन सिरिंज नॉट प्रेजेंट एयर, और सिरिंज के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का एयर बबल प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, हो सकता है कि वो क्या है वेन के अंदर इंजेक्ट हो जाए तो हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए क्या है इन सिरिंज नो प्रेजेंट एयर, कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, विथ हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड होल्ड द पेशेंट आर्म सो स्किन इज टाइट, और आपको लेफ्ट हैंड से क्या है पेशेंट के आर्म को होल्ड करना है जिससे क्या है उसकी स्किन क्या हो जाए टाइट हो जाए, यानी उसकी वेन के अंदर पिक करने में आसानी हो। आस्क द पेशेंट टू ओपन क्लोज रिस्ट, और रिस्ट जो मुट्ठी है उसको क्या है पेशेंट को बंद करने के लिए और खोलने के लिए बोलना है जिसके क्या है वेन के अंदर ब्लड का प्रेशर सही तरीके से मेंटेन हो जाए, प्रेशर बढ़ जाए। नेक्स्ट, टेक द सिरिंज इन द राइट हैंड एंड होल्डिंग इंडेक्स फिंगर बेस ऑफ नीडल कीप द शार्प पॉइंट ऑफ नीडल अपर साइड एंड इंजेक्ट द नीडल इन द वेन विदाउट हेजिटेशन। तो टेक द सिरिंज इन द राइट हैंड, आपको क्या है राइट हैंड के अंदर सिरिंज को लेना है होल्डिंग इंडेक्स फिंगर, और इंडेक्स जो फिंगर है राइट हैंड ही उसको कहां पे रखना है जस्ट नीडल के ऊपर की साइड के अंदर रखना है जहां पे क्या है नीडल की सारा पॉइंट है, एंड नीडल अपर साइड एंड इंजेक्ट द नीडल, और नीडल को क्या इंजेक्ट कर देना है वेन के अंदर विदाउट हेजिटेशन बिना किसी घबराहट के, यानी सिरिंज हिलनी डुलनी नहीं चाहिए वेन के अंदर ही इंजेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन आर्म एंड नीडल शुड बी अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री, और जो एंगल है कोण है यानी भुजा और क्या है सिरिंज के बीच में नीडल के बीच में वो कितना होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री के समथिंग होना चाहिए। इंजेक्ट नीडल इन वेन अबाउट 1 सेंटीमीटर, और वेन के अंदर इन नीडल को कितना इंजेक्ट कर देना है 1 सेंटीमीटर। वेन द नीडल इंजेक्टेड इन द वेन ब्लड स्टार्टेड इन सिरिंज, और जैसे ही आपकी नीडल सही तरीके से वेन के अंदर इंजेक्ट हो जाएगी ब्लड फ्लो क्या स्टार्ट हो जाएगा सिरिंज के अंदर ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं, सबसे पहले तो ट्यूनिकेट को अप्लाई करते हैं, फिर क्या है वेन को सिलेक्ट करते हैं, फिर उस जगह को डिसइंफेक्ट करते हैं, फिर चेक करते हैं कि सिरिंज के अंदर कोई भी एयर बबल प्रेजेंट नहीं है, सिरिंज के अंदर नीडल जो है उसमें कोई ब्लॉकनेस नहीं है, उसकी शार्पनेस सही है या नहीं है। फिर शुरू से देखिए, विद हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड पेशेंट आर्म सो स्किन इज टाइट, तो आपको क्या है लेफ्ट हैंड से आपको क्या होल्ड करना है पेशेंट की आर्म को होल्ड करना है जिसकी उसकी स्किन क्या उससे टाइट हो जाए, और आस्क टू द पेशेंट ओपन क्लोज रिस्ट, और क्या पेशेंट को बोलना है कि उसकी जो रिस्ट है मुट्ठी उसको या तो ओपन करे खोले और बंद करे जिससे ब्लड का प्रेशर क्या है सही तरीके से मेंटेन हो जाए। नेक्स्ट, टेक द सिरिंज इन द राइट हैंड एंड होल्डिंग इंडेक्स फिंगर बेस ऑन द नीडल की, और क्या है कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो सिरिंज को लेना है इस हैंड में राइट हैंड में, और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है राइट हैंड की को क्या नीडल के बेस के ऊपर रख देना, यानी तो क्या सिरिंज के नजदीक जो पार्ट है वहां पे रखना है, और सारा पॉइंट ऑफ नीडल अपर साइड एंड इंजेक्ट द नीडल, और जो सारा पॉइंट है नीडल का उसको कौन सी तरफ रखना है ऊपर किस तरफ रखना है, पर इंजेक्ट कर देना है नीडल को कहां पे वेन के अंदर विदाउट हेजिटेशन बिना किसी घबराहट के।
एंगल बिटवीन आरम एंड नीडल शुड बी अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री। और तो क्या है, आरम और भुजा और नीडल के बीच में, यानी क्या है, सुई के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होना चाहिए, 40 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट, इंजेक्ट नीडल इन वेन अबाउट 1 सेंटीमीटर। और वेन के अंदर क्या है, आपको नीडल कितनी इंजेक्ट करनी है, 1 सेंटीमीटर के समथिंग, ताकि क्या है कि अगर हेजिटेशन भी हो थोड़ा बहुत, हिल भी जाए, तो क्या है वो बाहर ना निकले। वेन द नीडल इज इंजेक्टेड इन वेन, ब्लड फ्लो स्टार्टेड इन द चेंज। और नीडल जब क्या है इंजेक्ट हो जाएगी किसके अंदर, वेन के अंदर, तो ब्लड फ्लो क्या है ऑटोमेटिक सिरिंज के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। With your left hand, slowly pull back the piston of syringe and obtain required amount of blood in syringe. With your help, या with your left hand, यानी आपके left hand से needle inject होने के बाद pull करना है किसको, slowly pull back the piston, piston को क्या है धीरे से पीछे खींचना है, जिससे क्या है syringe के अंदर, syringe piston को आपको पीछे खींचना है left hand से धीरे से, and obtain, और आपको blood obtain करना है, प्राप्त करना है required amount of blood, यानी जितने ब्लड की आपको आवश्यकता है उतना ही ब्लड आपको सिरिंज के अंदर ले लेना है। नेक्स्ट, द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ब्लड इज ड्रावन एंड व्हेन इट इज अबाउट टू कंप्लीट रिमूव द ट्यूनिकेट। जब आपका सही तरीके से ब्लड, जितने आपको ब्लड के अमाउंट की रिक्वायरमेंट है उतना ड्रॉ हो जाए, बाहर निकल जाए, सिरिंज के अंदर आ जाए, तो आपको क्या कर देना है कि ट्यूनिकेट को रिमूव कर देना है। द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ब्लड इज ड्रावन, जितने ब्लड के अमाउंट की आपको आवश्यकता है उतना ब्लड जब ड्रॉ हो जाए, बाहर निकल जाए, एंड वेन इज अबाउट टू कंप्लीट, यानी जब उस लिमिट के कंप्लीट होने तक हो, यानी जितने ब्लड की आपको आवश्यकता है उतना ब्लड कंप्लीट होने को हो सिरिंज के अंदर, तो क्या करना है, रिमूव द ट्यूनिकेट, ट्यूनिकेट को हटा देना है। द नीडल इज विड्रॉन फ्रॉम द वेन, और नीडल को क्या कर देना है, अप्रोप्रिएट ब्लड को कलेक्ट करने के बाद क्या कर देना है, नीडल को बाहर निकाल लेना है वेन से। नाउ प्लेस कॉटन स्वैप ऑन द पंचर पे, और कॉटन स्वैप को कहाँ पे रखना है, पंचर साइड के ऊपर रख देना है, जिससे जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए। नाउ रिमूव द नीडल एंड द सिरिंज एंड ट्रांसफर कलेक्टेड ब्लड इनटू कलेक्शन ट्यूब, और अब क्या है आपको क्या है, नीडल को हटा देना है सिरिंज से, और जो ब्लड है सिरिंज के अंदर उसको क्या है कलेक्शन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देना है। इफ एंटीकोगुलेंट इज यूज देन शेक द ट्यूब फॉर मिक्सिंग, और अगर आप क्या एंटीकोगुलेंट काम में ले रहे हो, यानी क्या है तो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, तो क्या है आपको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ट्यूब को, जिससे ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट मिक्स हो जाए, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो शुरू से देखिए, विद योर लेफ्ट हैंड स्लोली पुल बैक द पिस्टन ऑफ सिरिंज एंड ऑब्टेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड इन सिरिंज, यानी क्या है आपको लेफ्ट हैंड से क्या है सिरिंज का जो पिस्टन है उसको पीछे की तरफ खींचना है, यानी क्या है प्रॉपर अमाउंट जो है ब्लड का कलेक्ट हो सके सिरिंज के अंदर। नेक्स्ट, क्योंकि अगर पिस्टन को आप पीछे खींचोगे सिरिंज के अंदर क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, तो ब्लड किस में आ जाएगा, सिरिंज के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट, द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ब्लड इज ड्रोन, जैसे ही आपका पर्याप्त मात्रा में ब्लड क्या हो जाए, ड्रो हो जाए, बाहर निकल जाए, एंड वेन इट इज अबाउट टू कम्प्लीट, जब ये पूरा होने वाला हो, रिमूव द ट्यूनिकेट, तो आपको क्या करना है ट्यूनिकेट को हटा देना है। द नीडल इज विड्रॉ फ्रॉम द नीडल फ्रॉम द वेन, और नीडल को क्या है आपको वेन से बाहर निकाल लेना है। नाउ प्लेस कॉटन स्वैप ऑन द पंचर साइड, और आपको क्या है पंचर साइड पे क्या है कॉटन स्वैप को अप्लाई कर देना है। नाउ रिमूव द नीडल फ्रॉम द सिरिंज एंड ट्रांसफर कलेक्टेड ब्लड इनटू कलेक्शन ट्यूब, अब क्या है आपको नीडल को रिमूव कर देना है कहाँ से, सिरिंज से, और जो ब्लड है सिरिंज में उसको क्या है कलेक्शन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देना है। इफ एंटीकोगुलेंट इज यूज देन शेक द ट्यूब फॉर मिक्सिंग, अगर आप एंटीकोगुलेंट को काम में ले रहे हो तो क्या है ब्लड को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, हिलाना है, जिससे एंटीकोगुलेंट क्या हो जाए मिक्स हो जाए उस ट्यूब के अंदर और ब्लड के अंदर, ब्लड का क्लोटिंग, ब्लड की क्लोटिंग स्टॉप हो जाए। नेक्स्ट क्या है, डायग्राम के अंदर आप देखते किस तरीके से क्या है अपन एल्बो ज्वाइंट के ऊपर से या फिर आरम से क्या है अपन ब्लड सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर ट्यूनिकेट बांधा है, फिर वेन को सिलेक्ट करते हैं, फिर क्या है उस साइड से जहां से आपको ब्लड का सैंपल कलेक्ट करना है उस साइड को क्या है साफ करते हैं, अच्छे तरीके से डिसइंफेक्ट करते हैं, फिर क्या है नीडल को इंजेक्ट करवाते हैं वेन के अंदर 40 डिग्री के एंगल पे, और फिर क्या है ब्लड का सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, पिस्टन को पीछे खींचते हैं, जितने अमाउंट की जरूरत है उतना ही ब्लड
कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर होगा? क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर वैक्यूट एनर्जी सिस्टम के ऊपर, जो एडवांस सिस्टम है ब्लड को कलेक्ट करने का। थैंक्स टू ऑल।